बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद रज़ा अली शाह और आप देख रहे हैं कासमी एक्सोटिक बर्ड्स कॉर्नर। चीतो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपके साथ आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म के बर्ड्स के हवाले से बात करेंगे जिसका नाम है डायमंड फाइटेल, जिसे दुनिया में बहुत से नामों से जाना जाता है, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही मशहूर भी है। इसकी कंप्लीट बायोग्राफी के बारे में बात होगी, इसके ब्रीडिंग साइकिल के हवाले से बात होगी, ये इसकी कितनी उम्र होती है, इसका कितना लाइफ साइकिल होता है, इसका फेवरेट फूड क्या है, ये साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करती है और ये कितने टाइम बाद रेडी टू ब्रीड हो जाती है, तो तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से जो है बात होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन भाइयों दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन सबसे दरख्वास्त की जाती है कि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डायमंड फाइटेल का ताल्लुक साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से है, जिससे पूरी दुनिया में वहाँ से इम्पोर्ट करवाया जाता है और ये वहाँ के जंगलात में पाई जाती है। दोस्तों, डायमंड फाइटेल फिंच को दुनिया में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कि डायमंड फाइटेल फिंच, डायमंड स्पैरो या स्पॉटेड साइडेड फिंच के हवाले से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डायमंड फाइटेल फिंच के लाइफ साइकिल के हवाले से। और ये फिंच जो है एक क्लच में तकरीबन 4 से लेकर 8 अंडे देती है और इसका जो इनक्यूबेशन का टाइम पीरियड है वो तीसरे अंडे के बाद जो है वो एग्स को इनक्यूबेट करना शुरू करती है और इसके जो अंडों में से जो बच्चे निकलने का टाइम पीरियड है वो है 13 से 14 दिन। अक्सर 15-16 दिन में भी अंडों में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। और जहाँ तक बात है फ्लैच डेट की, तो फ्लैच डेट से मुराद ये है कि बच्चा नेस्ट से बाहर कितने दिन बाद आता है। तो तकरीबन 21 से 26 दिन लगते हैं बच्चे को नेस्ट में से बाहर आने में। और वीन डेट से मुराद ये है कि 2 से 3 हफ्ते मज़ीद लगते हैं उसको सेल्फ होने के लिए। डायमंड फाइटेल का चिक जब सेल्फ हो जाता है तो सेल्फ होने के तकरीबन 4 हफ्ते बाद ही अपने पहले मोल्ड पर आ जाता है और अपना पहला मोल्ड क्लियर करने के तकरीबन 2 महीने या 3 महीने बाद ही अपना सेकेंड मोल्ड पर आ जाता है। दोस्तों, डायमंड फाइटेल फिंच में मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस पाई जाती हैं जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। ग्रे डायमंड फाइटेल फिंच जो कि सबसे कॉमन रंग है इसमें, और इसी तरह जो इसकी सेकंड म्यूटेशन है वो है फोन डायमंड फाइटेल फिंच, थर्ड जो है वो इजाबेल डायमंड फाइटेल फिंच है और फोर्थ जो है वो सिल्वर डायमंड फाइटेल फिंच है और फिफ्थ जो है वो पाइड डायमंड फाइटेल फिंच है। इसी तरह इसके टेल्स के कलर भी थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, एक रेड टेल होती है और दूसरी जो है वो येलो टेल होती है। इसकी म्यूटेशंस और इसकी टेल के हिसाब से इसके रेट्स का तयन किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो डायमंड फाइटेल फिंच हर तरह की कंगनी वगैरह खा लेती है, जैसे कि मोटी कंगनी होगी, बारीक कंगनी होगी, लाल कंगनी होगी, सावा हो गया, अच्छा कनेरी सीड्स हो गए, इन्हें आप हर तरह के सीड्स दे सकते हैं सिवाय बाजरे के। इसके अलावा ये ग्रीन फूड बहुत शौक से खाती है और एग फूड भी, और उसके अलावा जो लाइव फूड होता है जैसे कि मील वॉर्म्स हो गए और फ्लाइज वगैरह होगी, ये वो भी जो है वो बहुत शौक से खाती है। अगर हम बात करें डायमंड फाइटेल फिंच के ब्रीडिंग सीज़न की, तो अगस्त से लेके जनवरी तक यानी कि मौसम है बहार और मौसम गर्मा में इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने इन्हें कैप्टिविटी में रखा होता है, कैजिस में रखा होता है, तो हम इन्हें जो है हर सीज़न में इनसे ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बर्ड को रेस्ट दिया जाए और बर्ड आपके पास कंफर्टेबल हो तो वो हर सीज़न में ब्रीड कर जाता है। दोस्तों, जहाँ तक बात है डायमंड फाइटेल फिंच के चिक की कि वो कितने अरसे में रेडी टू ब्रीड पर आ जाते हैं, तो उसका जो रिकमेंडेड टाइम है वो है 9 से लेकर 12 मंथ्स तक। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है तकरीबन उसे 1 साल के बाद ही ब्रीड पर लगाएं ताकि आपके पास ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट सामने आए, क्योंकि 9 महीने में बच्चा इतना अच्छा अडल्ट नहीं हो पाता जितना कि वो 12 मंथ्स के बाद होता है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि उसे तकरीबन 1 साल के बाद ही ब्रीड पर लगाएँ। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के लिए लाता रहूँगा। अपने होस्ट सैयद रज़ा अली शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।